जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था किस तरह से हम एक इंफ्यूगल फॉर्म को रेडी करते हैं, उस फॉर्म का यूज हम कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको आ जाना है यहाँ पे सेंड बटन पे, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसका लिंक कॉपी करना है। इस लिंक वाले आइकन पे क्लिक करके और इसका सॉल्ट यूआरएल क्रिएट करके यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको ध्यान से देखना है। इस तरह से आपको एक इंस्टाग्राम आईडी बना लेनी है, अगर नहीं है तो आपको नई क्रिएट कर लेनी है। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरह से आप एक अपना बिजनेस अकाउंट बनाते हो, प्रोफेशनल अकाउंट करते हो। एक बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट आपको बनाना है। आपको करना है जैसे इस पे कोई पोस्ट, जो भी आपको पोस्ट करोगे उस पोस्ट को यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। यदि वो रील है तो रील पे सिलेक्ट करना है और पोस्ट है तो पोस्ट को डालना है। अभी मेरी पोस्ट जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट यहाँ पे आप चाहो तो इसके कैप्शन टाइप कर सकते हो, हैशटैग लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद आपको आ जाना थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके और यहाँ पे आपको एक बूस्ट पोस्ट करके मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो। आपको शेयर पे क्लिक करना है। अब शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपका विजन क्या है, प्रोफाइल विजिट करवाना चाहते हो, मतलब कि अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर विजिट योर वेबसाइट। तो आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना है और थर्ड आपको यहाँ पे मैसेज के लिए भी देगा। मैसेज के अंदर आप अपने व्हाट्सएप को भी लिंक कर सकते हो यहाँ पे। इसके लिए आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए और जो भी बटन आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हो उस पोस्ट पे, तो वो बटन नीचे से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बुक नो या कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे आप उस तरह से वो बटन शो करवा सकते हो। अदरवाइज हमें यहाँ पे चाहिए वेबसाइट विजिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक लिंक है, हम उस लिंक पे इसको बाईपास करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको विजिट वेबसाइट पे क्लिक करवाना है, तो विजिट वेबसाइट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने इसमें कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरी भी दे रखी है। आप चाहो तो यहाँ से स्पेशल कैटेगरी पे क्लिक करके और यहाँ इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके इनसे रिलेटेड कोई पोस्ट है तो। अदरवाइज आप खुद यहाँ पे खुद क्रिएट कर सकते हो। ऑन क्रिएट पे क्लिक करके पहले आपको ऑडियंस नेम देना है, लोकेशन में आपको ये जो पोस्ट है वो कहाँ पे शो करवानी है उसकी लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो इस एरिया के अंदर जितनी भी ऑडियंस है वो आपको यहाँ पे पूरा उसका साइज बता देगा, ओके। नेक्स्ट इसको इंटरेस्ट में आपको जाना है, इंटरेस्ट में आपको बताना है कि कौन कौन से इंटरेस्टेड व्यूअर को आपको ये दिखाना है। तो जैसे बिजनेस ओनर हो गए, क्योंकि मेरी जो पोस्ट है वो अकाउंटिंग रिलेटेड है, तो जो मोस्टली जो पोस्ट जाएगी वो बिजनेसमैन के पास जानी चाहिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो जो जो भी ऑडियंस अपने को टारगेट करनी है वो ऑडियंस यहाँ से सिलेक्ट करनी है अपने, ठीक है। जितने भी इंटरेस्टेड जो क्लाइंट्स को आपको पोस्ट शो करवानी है उन ऑडियंस को यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके सिलेक्ट कर देना है, ठीक। अब आपको आ जाना है एज और जेंडर पे। तो एज एंड जेंडर पे हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि कितनी एज से कितनी एज तक व्यूअर्स को ये पोस्ट शो करवानी है आपको। तो मैंने यहाँ से 18 से 65 सेलेक्ट कर लिया और मेरे को मेल और फीमेल दोनों को सिलेक्ट करवाना है, शो करवाना है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को शो करवा दिया, ठीक है। अब आपको राइट क्लिक कर देना है, इस पर टिक कर देना है। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास एक कैटेगरी बन के आ गई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अब आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। का अमाउंट के लिए आपके बजट को डिसाइड करना है कि आप डेली कितना बजट स्पेंड करोगे। डेली जितना अच्छा बजट आप रखोगे उतनी अच्छी ऑडियंस और उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ड्यूरेशन डे पे डाल सकते हो, जैसे कि सेट ड्यूरेशन कितने दिन के लिए आपको एड रन करना है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि अगर आप 6 दिन या 5 दिन के लिए एड रन करते हो तो मेरे अगर मानो तो आप मिनिमम यहाँ पे 5 से ऊपर ही आपको रन करना है ऐड, क्योंकि 4 से 5 दिन तो अपना पोस्ट रैंक करने में ही लग जाता है। कि कई बार आप जब पोस्ट को बूस्ट करते हैं तो बूस्ट होने में ही कम से कम वो 4 से 5 दिन ले लेता है, तो व्यूअर्स तक पहुंचने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जब तक वो ट्रेंडिंग में आता है तब तक उनका बैलेंस खत्म हो जाता है। इस वजह से आप चाहोगे वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप 5 दिन से ज़्यादा का ही एड रन करें, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल स्पेंड यहाँ पे आपका हो रहा है 7 दिन में 4,704 रुपीज़, यहाँ पे एस्टिमेटेड रीच बता रहा है। अब सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
आप चाहो तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपका एड किस तरह से शो होगा, इस तरह से आपको फीड पे शो होगा, स्टोरी पे आपको इस तरह से शो होगा, एक्सप्लोरर पे आपको इस तरह से शो होगा, और यहीं से आप रील्स में देख सकते हो रील्स में किस तरह से शो होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको जाना है बैक यहाँ से वापस, और यहाँ से आपको पेमेंट ऐड कर लेना है जिस तरह से भी आप, जैसे यूपीआई से ऐड करना चाहो, नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी है, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ से पेमेंट कर देना है नेक्स्ट करके। ये आपको बूस्ट पे क्लिक करना है तो बूस्ट हो जाएगी, रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पे शो होता रहेगा, जितने भी आपके रिस्पॉन्स आएंगे वो यहाँ पे आपको एक एक करके शो होता रहेगा, उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे ही। वो आप चाहो तो इसको गूगल शीट से लिंक कर सकते हो, तो आपकी एक्सेल में वो ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ से वो फीडअप करेगा डेटा, जैसे वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ जैसे वो फीडअप करेगा, तो आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में आपकी जो एक्सेल की जो शीट है इसके अंदर वो डेटा ऑटोमेटिक फीडअप हो जाएगा। तो देखा आपने, आप इस फ्री टूल का सही यूज करके अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हो। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप यदि आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, राधे राधे।